देखो आज के डेट पे हम सब ये जानते हैं कि रशिया को सबक सिखाने के चक्कर में यूरोप के देश अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार बैठे। पहले तो रशिया टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर गैस की सप्लाई बंद कर दिए थे, अब तो वो साफ तौर पे ये कह दिया कि जब तक यूरोप के देश उनके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाएंगे तब तक वो गैस की सप्लाई फिर से चालू नहीं करेंगे। अब विंटर भी ज्यादा दूर नहीं है, कैसे ना कैसे करके यूरोप को अपना नेचुरल गैस की स्टोरेज फुल करना ही है। अब ऐसे में एंट्री होता है चाइना का। देखो आज के समय पे यूरोप में जितना भी गैस की सप्लाई हो रहा है वो चाइना की ओर से हो रहा है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा चाइना तो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता नहीं है तो वो कैसे यूरोप को सप्लाई कर रहा है। देखो चाइना एक प्रोड्यूसर तो नहीं है पर दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है सीएनजी का। अब हुआ यह था कि 2022 के शुरू में ही चाइना बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस इंपोर्ट किए थे, लगभग 60% ज्यादा पिछले साल के मुकाबले। अब उसके बाद कोविड की वजह से चाइना में आया इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब इतने सारे नेचुरल गैस का वो करेंगे क्या? अब वही नेचुरल गैस अब सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। यूरोप को देखो वही सेम नेचुरल गैस के लिए वो 2 से 3 गुना ज्यादा पे कर रहा है चाइना को। अब यूरोप ये सोच के बैठे है कि वो बहुत बड़ा तीर मार लिया है रशिया से नेचुरल गैस ना खरीद के। पर इस गेम का सबसे बड़ा लूजर कौन बना? वो खुद, और बीच में फायदा उठा के लेके गया चाइना और रशिया दोनों।